वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं अमन, आपका स्वागत है वीके न्यूज पे। 12 साल की उम्र में बांग्लादेश से भारत में घुसी रानी बेगम, उसके बाद 15 साल से भारत के जिस तरीके से उसने कांड किया उसे देखकर हर कोई हैरान है। वो 12 साल से जिस तरीके से भारत में घुसी थी, उसके बाद 15 साल भारत के हर गलियों में उसने एक से एक खेल किया, जिसे अब पुलिस भी खंगालने में जुटी है। जी हाँ, कर्नाटक पुलिस ने बांग्लादेश की एक ऐसी महिला को पकड़ा है जो भारत में 15 साल से हिंदू बनकर रह रही थी। 27 साल की इस महिला को बेंगलोर के बाहरी इलाके से फॉरनेस रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया के इनपुट के आधार पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक वो बांग्लादेश की नारल की रहने वाली है। उसे 25 जनवरी को बेंगलोर में उसके किराए के घर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया है कि 3 महीने की तलाशी अभियान के बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार बांग्लादेशी महिला की पहचान रोनी बेगम के रूप में हुई है। उसने अपना नाम पायल घोष रख लिया था और मंगलूर के एक डिलीवरी एग्जीक्यूटिव नितिन कुमार से शादी कर ली। महिला की गिरफ्तारी के बाद से उसका पति फरार है। पुलिस अब नितिन की तलाश कर रही है। रोनी बेगम 12 साल की उम्र में भारत आ गई थी। उसने मुंबई की एक डांस बार में काम किया। इस दौरान उसने अपना नाम बदल कर पायल घोष रख लिया और दावा किया कि वह एक बंगाली है। इसी दौरान उसे नितिन से प्यार हो गया और फिर दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद 2019 में बेंगलोर के अजनर इलाके में रहने लगे। रोनी ने दर्जी का काम शुरू किया। मुंबई में रहते उसने पैन कार्ड बनवाया। बाद में नितिन ने बेंगलोर में अपने दोस्त की मदद से आधार कार्ड भी बनवाने में कामयाबी हासिल कर ली। रोनी पर पुलिस की नजर तब आई जब उसने अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बांग्लादेश जाने का फैसला किया। वह कोलकाता गई और वहां से उसने ढाका पहुंचने की योजना बनाई। इस दौरान माइग्रेशन अधिकारियों को उसके पासपोर्ट को संदेह हुआ और उन्हें उसे जब्त भी कर लिया। उसे देश से नहीं जाने के लिए कहा गया। 2020 में इस घटना की जांच के दौरान उसका बयान दर्ज किया गया था, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। बाद में जांच के दौरान उसके अवैध बांग्लादेशी आप्रवासी होने की बात सामने आई, जिसके बाद पुलिस हरकत में आ गई और पुलिस ने इसे दबोच लिया है। बताया ये भी जा रहा है कि इसके इनपुट से कई और लोग इसके हत्थे चढ़ सकते हैं और इनका गिरोह भी काफी बड़ा हो सकता है। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़ राष्ट्र।